सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक और उनकी पत्नी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। दोनों के जल्द ठीक होने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर ललित कौशिक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बृजेश पाठक व उनकी पत्नी के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए यज्ञ व पूजन का आयोजन किया है। सभी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहुति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री और उनकी पत्नी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही जल्द से जल्द इस महामारी से देश को निजात दिलाने की भी ईश्वर से कामना की। ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने कहा कि जब कानून मंत्री और उनकी पत्नी जल्द अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे तो वह हरिद्वार से गंगा जल लाकर मुरादाबाद में भगवान शंकर का जल अभिषेक भी करेंगे। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। सर, आज जो यज्ञ का आयोजन किया गया है किस उपलक्ष्य में किया गया था और क्या संदेश दिया है? आज प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय कानून मंत्री श्री बृजेश पाठक जी, उनकी पत्नी ये कोरोना से संक्रमित हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमने ये यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, प्रेस नोट में आपने एक चीज अंकित की है कि उनको स्वस्थ होने पर हरिद्वार से घर लाकर हम, अगर जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद में हम जो है क्या नाम हरिद्वार से गंगा जल लाके और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।